हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी यूएस में सुबह के बजे हैं 8:49 और हम लोग जस्ट अभी सो के उठे हैं। तो और इंडिया में इस टाइम वो होंगे शाम के 6:19। अभी जस्ट सो के उठे हैं। मैं बस अभी घर के बाहर निकला हूँ बैशियो एरिया में। एक्चुअली यहाँ पे यूएस में सबके घर के बाहर पीछे की साइड में एक बैशियो एरिया होता है, पर्सनल एरिया, तो आप वहाँ पर बैठ के चिल कर सकते हो। सो आपको क्विक लुक देता हूँ, लेट्स सी। सो गाइज, यहाँ पे आ गया गर्मा गर्म नाश्ता और जिसको हम इंजॉय करेंगे अभी अपने पैशियो एरिया में बैठ के। तो अभी भाई बात ऐसी है कि हम जस्ट अभी रेडी हुए हैं और यहाँ से निकल रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली यहाँ से अराउंड 15 माइल पे एक जगह है जिसका नाम एडिनबर्ग है। तो वहाँ एडिनबर्ग में बहुत सारे प्रीमियम आउटलेट्स हैं जहाँ पे आपको सभी ब्रांड्स के शोरूम्स मिलेंगे। तो वहाँ पे जाके अभी शॉपिंग करने वाले हैं क्योंकि मैडम को कुछ कपड़े वगैरह खरीदने हैं। सो चलते हैं। चल से उड़ने परिंदे यार मेरे जिगरी यार मेरे खासियां कुड़ते आले लाग दिन पैग डीजे की बीट वे पाड़े चाले से उड़ने परिंदे यार मेरे जिगरी यार मेरे खासियां कुड़ते आले लाग दिन पैग डीजे की बीट वे पाड़े चाले से उड़ने परिंदे यार मेरे जिगरी। अभी हम जस्ट पहुंच गए हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम अभी आए वीएफ के बाहर। सो यहाँ पे एक्चुअली मोर देन 70 आउटलेट्स हैं। सो अभी वीएफ के बाहर क्यों आए हैं, क्योंकि वीएफ में मल्टीपल ब्रांड्स हैं। सो यहाँ पे आपको एक ही जगह पे मल्टीपल ब्रांड्स के क्लॉथ्स एंड बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे। सो देखते हैं यहाँ पे इसको कुछ इसको कुछ पसंद आता है नहीं। ये देखो मजे ले रहे हैं दोनों। ये गुची अरमानी पिछे रोल दी जवानी चेक कर दी ब्रांडा वाले टैग नी आजा दसा तेनू सोनिए नी फैशन। सो भाई ये पता लड़कियों की शॉपिंग का कुछ नहीं पता कि ये कितने देर चलने वाली है कितने देर नहीं। देखते अभी कितने देर में खत्म होती है हमारी। $21 का है ना, पसंद आ रहा है तो ले लेना फिर भाई। जब मैडम को फाइनली एक ड्रेस पसंद आई है और वो ट्राई करने गई है, देखते हैं फिट आती है तो और घूमना पड़ेगा फिर। ये बता यहाँ पे इतना परेशान कर रहा है, इसको लग रहा है कि हम हाइड एंड सीख खेल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये देखो कैसी आई क्या है? सही से कुछ तो है, थोड़ा लूज है, मतलब अभी और मेहनत करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए। सो गाइस आगे अभी है गैस फैक्ट्री स्टोर। ये एक्चुअली इसमें लेडीज के पर्स बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, एक्चुअली बहुत बड़ी ब्रांड है। तो देखते हैं, लास्ट टाइम एक्चुअली मम्मी के लिए यहाँ से पर्स लेके गया था तो मम्मी को बहुत पसंद आया। अभी देखते हैं बीवी को भी कुछ पसंद आता है नहीं। हम लोगों ने इधर ये कैल्विन कीन और बहुत सारे ब्रांड है, वीएफ है आपका, एडिडास है और आपका कैस है। सो अभी दूसरी साइड में जाते हैं, इसके बैक साइड में एक और दूसरा एरिया, वहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स हैं। यहाँ पे टोटल मोर देन 70 स्टोर हैं। सारे तो कवर नहीं कर सकते लेकिन देखते हैं जितने में जा सकते हैं। चलो अभी दूसरी तरफ मिलते हैं।
What is up? क्या बोल रहे सब लोग? So guys, अभी हम आए हैं नाइकी के यहाँ पे. So अभी इस पे नाइकी पे देखते हैं. यहाँ पे मैंने सोचा जब हम आए हैं तो मैं भी एक जोड़ी शूज देख ही लेता हूँ, है ना. तो अभी नाइकी में जाके देखता हूँ कुछ अच्छे शूज मिलते हैं क्या. भाई 5 मिनट में शूज लेके निकला हूँ, 5 मिनट में. और सारा टाइम जो है इसकी शॉपिंग में गया है अभी तक. कितनी ड्रेस ली है तूने 3 घंटे में? तीन घंटे में एक जोड़ी शूज 5 मिनट. अभी जो है ना ये मैडम की शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट, 3 ड्रेस बोल के चली थी. और इधर माइकल कॉर्क दिखा और अच्छी अच्छी ड्रेस दिखी ना, फिर रुक गए. यानी कि अभी $150 का फटका और फटका. तो देखो भी शाम तक कितना फटका लगता है अभी. ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਦੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਰੀਏ ਨਾ 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 ਕੋਰੀਏ, ਉਹ ਕੰਨ ਚੁੰਮ ਕੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਰੀਏ ਨਾ 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 ਕੋਰੀਏ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ. ਭਾਈ ਅਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਭੁੱਖ. ਅਭੀ ਲੱਗੀ ਕਿਆ ਭੁੱਖ ਅਭੀ ਤੁਝੇ? ਯੈਸ ਲੱਗੀ. मतलब फाइनली $200 का खर्चा करवाने के बाद अब भूख लगी है. नहीं तो थोड़ी देर पहले पता क्या बोल रही थी, मैं बोल रहा भूख लग रही है बहुत तेज, तो बोलती है नहीं मेरे को तो फील नहीं हो रहा ऐसा कुछ कुछ भूख वूख, तुम्हें ही लग रही है. तो मेरे को लगेगी ना मेरे जेब से $200 जा रहे हैं. नहीं अभी लग रही है. अब तो लगेगी. सो भाई साहब हम 4 घंटे में 4 ड्रेस लेने के बाद वी आर फीलिंग प्राउड. अरे यार इनकी पता बहुत इतनी किचकिच रहती है ना. किनकी? लड़कियों की. इनकी इतनी किचकिच रहती है पता नहीं किसकी. भाई साहब ये ड्रेस में कलर ऐसा है, ये ड्रेस में ये फिटिंग का पंगा है, इसका कपड़े में ऐसा है, इसके इसमें ऐसा है, इसके इसमें ऐसा है. मैं सही बता रहा हूँ, भगवान ने जब डिजाइन मॉडल तैयार किया होगा ना और तो भगवान को भी इतने नुक्से दिए होंगे ना कि इधर से मेरा मुंह ऐसा बनाओ जिससे कि पाउट अच्छा बने, इधर से ये बनाओ. तो भाई पता नहीं भगवान ही जान सकता है ना लड़के की मोह माया को. तो फाइनली अपनी शॉपिंग हो गई तरह और फाइनली अपनी शॉपिंग हो गई है फिनिश. तो अभी हम जस्ट यहाँ से निकल रहे हैं ये प्रीमियम आउटलेट से. आई होप आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा देखने में, और नहीं भी आया तो डिसलाइक मार दो. मज़ा आया तो लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो. वैसे कहने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए क्योंकि मैं फ्री में अमेरिका घुमा रहा हूँ सबको. और चलिए आई थिंक इस व्लॉग को अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि अभी हम यहाँ से जाएंगे, देखते हैं रास्ते में कुछ खाने का कि कुछ खाएंगे. और फिर क्योंकि अब भूख लगी है मैडम को इतनी शॉपिंग करने के बाद, और अभी मेरे पास पैसा नहीं है खिलाने को. मैं सॉरी अब मैं खिला नहीं सकता कुछ भी, पड़ेगा. देखते हैं भाई अभी जाके देखते हैं कोई रेस्टोरेंट किसी में वेज का. यार यहाँ पे वेज की बहुत पंगा है. आई थिंक इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं. चलो भाई गुड बाय और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में. मोस्ट प्रोबेबली 2-3 दिन के बाद नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं फिर. सो अभी के लिए गुड नाइट, सब्बा खैर, चलो बाय बाय. और मज़ा आया हो तो लाइक कर दो और नहीं आया तो डिसलाइक कर दो. डिसलाइक करो तो एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट में बता दो कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा जिसकी वजह से आपने डिसलाइक किया. सो आई विल ट्राई टू फिक्स दैट इशू, उसको थोड़ा इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगा. सो प्लीज़ डिसलाइक करते हो नो प्रॉब्लम, डिसलाइक करो, बट प्लीज़ एक कमेंट छोड़ दो कि उसमें क्या पोर्शन था जो आपको अच्छा नहीं लगा. ओके सो दैट्स इट, चलो बाय बाय. Thank you.
ਕੋਈ ਨਾ